हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ही चैनल में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे आयु पर आधारित प्रश्न यानी अभ्यास ATD ख़त्म करेंगे। दोस्तों बहुत ही सरलतापूर्वक देखिए, पहला सवाल क्या है दोस्तों हम लोगों का, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या ज्ञात करना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। देखिए जो दोस्तों, पिता और पुत्र आए चाहे माँ और बेटी आए, तो हम लोग पहले बेटी या पुत्र का मानते हैं, तो वर्तमान आयु बताना है दोस्तों। तो मानेंगे पहले, माना पुत्र की, माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, पिता है तो पिता का भी मानेंगे, पिता का वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखिए क्या कहा दोस्तों, जो ज्ञात करना है उसे मान गए हम लोग। अब कहा है दोस्तों कि पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पहले कह रहा है दोस्तों। तो निकालेंगे 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या कर देंगे दोस्तों, x माइनस 10। ये पहले कहेगा तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, पहले या पूर्व कहेगा तो घटाएंगे, अगर बाद या पश्चात कहता है तो क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ जोड़ देते हैं। तो पहले या पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग घटा देंगे। अब 10 वर्ष क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, पहले पिता की आयु, पिता की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, वाई माइनस 10 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, कंडीशन क्या है हम लोग का, 10 वर्ष पहले एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए दोस्तों, ये पिता की आयु की, पिता की आयु ये है हम लोग का, तो यहाँ पिता लिख देंगे। पिता की आयु क्या है दोस्तों हम लोग का, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, x माइनस 10। पिता की आयु क्या है दोस्तों, हम लोग हमेशा पिता का आयु निकालने के लिए पुत्र की आयु में जितना से गुणा करेंगे, जितना दिया रहेगा उतना से गुणा करेंगे। कितना गुना है दोस्तों हम लोग का, 3 गुनी है। तो मान जाइए दोस्तों ऐसे कि पुत्र का आयु 12 बरिस है, तो 12 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 बरिस, यानी पिता की आयु 36 वर्ष होगी। हमेशा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो पुत्र में या बेटी में गुणा करेंगे। कितना गुनी है, तो 3 गुनी है, 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, y माइनस 10 ये कितना, 3x माइनस 10 यानी 30, कितना हो जाएगा दोस्तों, एक पक्षांतर कर लेंगे एक तरफ, y माइनस 3x प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। अब देखिए दोस्तों, y माइनस 3x कितना हो जाएगा, 20 में से 10 घटेगा 10, जो अधिक रहता है या उसके आगे का चिन्ह लिख देते हैं। जब भी प्लस माइनस रहता है या माइनस प्लस तो घटता है दोस्तों, इसको क्या मानेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद कह रहा है दोस्तों, तो 10 वर्ष बाद निकालेंगे। अब 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या करेंगे दोस्तों, बाद पहले ही बता दिए आप लोगों को, बाद या पश्चात कहे तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पुत्र का वर्तमान आयु का माने हैं दोस्तों x प्लस कितने वर्ष बाद का है, 10 वर्ष। अगर यही पूर्व कहे या पहले कहता तो दोस्तों यहाँ घटा देते, पहले वाला तो घटा दिए हैं, बाद का है तो जोड़ देंगे। अब 10 वर्ष बाद क्या करेंगे दोस्तों, पिता की आयु निकालेंगे, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, y प्लस 10।
अब देखिए दोस्तों क्या कहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु तो हम लोगों का दोस्तों इधर ही रहेगा हमेशा। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो पुत्र या बेटी की आयु में गुणा करते हैं, जितना गुणी रहेगा या गुना रहेगा। 2 गुनी है दोस्तों, तो पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का वाई प्लस 10। 2 से x में करेंगे 2x, 2 दहा में कितना हो जाएगा दोस्तों 20। पक्षांतर कर लेंगे y माइनस 2x प्लस 2x से दोस्तों इधर आएगा तो माइनस 2x, प्लस 10 से दोस्तों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10। अब कितना हो जाएगा दोस्तों y माइनस 2x, 20 में से 10 घटेगा 10, समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों इसमें प्लस y है, इसमें भी प्लस y है, क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा देंगे तो y से y क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा, इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों हम लोग समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है दोस्तों y माइनस 3x बराबर माइनस 10, y माइनस 3x बराबर माइनस 10। समीकरण 2 क्या है दोस्तों y माइनस 2x बराबर 10। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग घटा रहे हैं, तो घटा देंगे तो y से y कट जाएगा दोस्तों हम लोग का, किसी x का मान निकल जाएगा, उसके बाद y का मान निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों प्लस माइनस 3x है प्लस 2x है, 3 में से 2 कटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 1x, 1 नहीं लिखाता है दोस्तों, जो अधिक रहता है उसके आगे का चिन्ह। अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोगों का माइनस 10 माइनस 10, माइनस माइनस क्या होता है जुटता है और माइनस ही लिखाता है, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर कितना आ गया 20। ये एक्स किसका है दोस्तों, तो एक्स का पुत्र का है, पुत्र का वर्तमान आयु कितना निकल गया दोस्तों 20 वर्ष। एक्स का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे दोस्तों, समीकरण 1 से या 2 से, किसी एक से ले लेंगे 2 से। देखिए समीकरण 2 क्या है दोस्तों हम लोगों का, तो वाई माइनस 2x बराबर 10। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग x का मान यहाँ रख देंगे, y 2 गुणते x का मान कितना है दोस्तों 20 बराबर 10। अब कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो y 20 दुना का 40 बराबर 10, 40 से दोस्तों माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 50। y किसका मान है दोस्तों हम लोगों का 50 वर्ष, यानी y किसका है दोस्तों हम लोग का पिता का है, पिता का वर्तमान आयु कितना है दोस्तों 50 वर्ष। ये दोनों क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें का दूसरा सवाल क्या है हम लोगों का, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, दुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए दोस्तों इसमें पहले मैं क्या बताया हूँ आप लोगों को, तो पहले बेटे का मानते हैं दोस्तों, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की, यानी मानेंगे दोस्तों माना इस समय मैंने क्या दोस्तों वर्तमान में माना, इस समय पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान जाएंगे दोस्तों 1 वर्ष। अब देखिए दोस्तों इसमें मानेंगे पुत्र का वर्तमान आयु 1 वर्ष, इस समय क्या है दोस्तों एक आदमी की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब क्या करेंगे दोस्तों पिता की आयु निकाल लेंगे, पिता की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो हर पुत्र के आयु का कितना गुना है, तो 4 गुनी है, तो 4 से क्या कर देंगे दोस्तों पुत्र की आयु में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4x। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब से 18 वर्ष बाद क्या है दोस्तों, तो लिखेंगे ऐसे पुत्र का 18 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, बाद का है बाद या पश्चात का है तो क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं,
पुत्र क्या मानेंगे दोस्तों, यक्स प्लस कितना कर देंगे 18। अब देखिए दोस्तों इसी तरह पिता का निकाल लेंगे, पिता की 18 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा हम लोगों का, पिता की आयु कितना है 4x से प्लस 18। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, तो देखिए 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों पिता की आयु क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ लिखेंगे और पुत्र की आयु एक तरफ लिखेंगे, और कितना गुनी है दोस्तों, तो पुत्र की आयु से दुनी होगी। पुत्र का आयु कितना है दोस्तों, 18 वर्ष बाद दुनी है, यानी 2 से गुणा कर देंगे, तो 4x प्लस 18 2 से गुणा कर देंगे, 2x प्लस कितना दोस्तों 18 दुना का 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 कर लेंगे, 4x माइनस 2x ये 36 माइनस कितना दोस्तों हम लोगों का 18, ये प्लस 18 इधर जाएगा तो माइनस 18, 2x में से 4x में से 2x घटेगा दोस्तों 2x, 36 में से 18 घटेगा 18, क्या करेंगे दोस्तों x बराबर 18 बटे में 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 2 नवा 18, 9 वर्ष। तो x किसका माने हैं दोस्तों, पुत्र का आयु कितना आ गया दोस्तों 9 वर्ष, पिता का आयु निकाल लेंगे, पिता की आयु कितना है दोस्तों हम लोगों का 4x है, एक्स का मान कितना है दोस्तों 9 9 4 का कितना हो जाएगा दोस्तों 36, 36 वर्ष और 9 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है दोस्तों हम लोगों का, कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, एक वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, इस समय दोनों की आयु है, आयु बताइए। तो राधे क्या है दोस्तों, राधे के पिता माने राधा उनका बेटा है, तो पहले राधा का मान लेंगे दोस्तों वर्तमान आयु, माना राधे का वर्तमान आयु कितना दोस्तों हम लोगों का 100 वर्ष। इसी तरह क्या मान लेंगे दोस्तों राधे के पिता का वर्तमान आयु कितना दोस्तों, कितना गुनी है 7 गुनी है, राधे की 7 गुनी है, तो राधा का x माने हैं दोस्तों और राधे के पिता का क्या है 7 गुनी है राधे का, तो हमेशा बेटा में गुणा करते हैं, 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7x। अब क्या है दोस्तों, एक वर्ष पहले का है, तो एक वर्ष पहले दोनों का आयु निकाल लेंगे दोस्तों, एक वर्ष पहले राधे का आयु, एक वर्ष पहले राधे का आयु, राधे का आयु कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, पहले का है, पहले या पूर्व का है तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो x माइनस 1, एक वर्ष पहले राधे के पिता का आयु कितना हो जाएगा दोस्तों 7x माइनस 1, राधे के पिता का आयु कितना निकला है 7x माइनस, इसमें से एक घटा देंगे एक वर्ष का है, तो अब देखिए दोस्तों क्या कहा है, तो कहा है दोस्तों एक वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की आयु से 9 गुनी थी, तो पिता का आयु क्या है दोस्तों हम लोग का 7x माइनस 1 है, इसे एक तरफ लिख लेंगे, और राधे का आयु कितना है दोस्तों x माइनस 1, और कितना से गुणा कर देंगे दोस्तों 9 से, तो 7x माइनस 1 9 से कर देंगे दोस्तों 9x, 9 कमे 9 क्या करेंगे दोस्तों एक तरफ कर लेंगे, x वाला अंक एक तरफ कर लेंगे, माइनस 9 इधर आएगा तो दोस्तों प्लस 9, ये 9x से प्लस 7x से दोस्तों इधर आएगा तो माइनस 7x। अब देखिए दोस्तों अंक एक तरफ कर लिए हैं और चर पद एक तरफ कर लिए हैं, 9 में से एक जाएगा तो दोस्तों 8, 9 में से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2x। अब कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, जो अधिक रहता है उसका चिन्ह लिखाता है या करके इधर कर लेंगे, 2x बराबर 8,
एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एट बटे में दो कटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, चार। एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों, चार वर्ष। यानी राधे का आयु कितना है दोस्तों हम लोगों का, राधे का वर्तमान आयु चार वर्ष है। तो राधे के पिता का निकाल लेंगे दोस्तों, राधे के पिता का आयु कितना है दोस्तों हम लोगों का, सेवन यक्स। क्या करेंगे दोस्तों, यक्स का मान रख देंगे, सात गुणते चार, सच्चव कितना दोस्तों, अट्ठाईस। राधे के पिता का आयु कितना है दोस्तों वर्तमान, अट्ठाईस वर्ष है। यही क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोगों का चौथा सवाल, क्या है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की चार बटा पाँच है। देखिए दोस्तों, चार वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की तीन बटा चार थी, इस समय दोनों की आयु क्या है। देखिए दोस्तों, तो रीता की आयु की चार बटा पाँच है, तो पहले रीता का मानेंगे दोस्तों, माना रीता की वर्तमान आयु, एक्स वर्ष। अब देखिए दोस्तों, रीता का वर्तमान आयु कितना मानेंगे, एक्स वर्ष। अब क्या है दोस्तों, मीरा का, निकालेंगे, मीरा की वर्तमान आयु कितना है दोस्तों, तो रीता की इतना है, तो रीता का कितना माने हैं दोस्तों, एक्स, और कितना गुनी है दोस्तों हम लोग का, तो चार बटा पाँच है। चार बटा पाँच से क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, चार एक्स बटे में पाँच। अब क्या कहा है दोस्तों हम लोगों का, देखिए चार वर्ष पहले, क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, दोनों का आयु निकाल लेंगे। चार वर्ष पहले रीता की, आयु निकालेंगे दोस्तों, पहले का है चार वर्ष पहले, यहाँ लिख देंगे दोस्तों पहले। देखिए चार वर्ष पहले, का है या पूर्व के, ये पहले, तो क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं, चार वर्ष पहले मीरा की आयु, कितना हो जाएगा दोस्तों, मीरा की आयु कितना है, चार एक्स बटे में पाँच और माइनस चार। देखिए दोस्तों, चार वर्ष पहले निकाल दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, चार वर्ष पहले मीरा की आयु, रीता की आयु की तीन बटा चार थी, तो पहले मीरा है दोस्तों, तो मीरा का आयु इधर लिखेंगे, पहले चार एक्स बटे में पाँच माइनस चार बराबर। अब रीता की आयु कितना है दोस्तों, चार वर्ष पहले एक्स माइनस चार, अब रीता की आयु की तीन बटा चार थी, रीता की आयु में क्या करेंगे दोस्तों, तीन बटा चार से गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों, चार एक्स बटे में पाँच माइनस चार, तीन बटा चार का एक्स में करेंगे तो थ्री एक्स बटे में चार हो जाएगा दोस्तों, और इसमें करेंगे तो कितना, चार गुणते तीन बटा में चार, चार से चार कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए एक्स वाला क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, पहले इसको ये खाली उतार लेंगे, चार एक्स बटे में पाँच माइनस चार, थ्री एक्स बटे में चार माइनस तीन, यहाँ क्या बचा है दोस्तों, केवल तीन। एक्स तरफ, एक्स वाला एक तरफ कर लीजिए, चार एक्स बटे में पाँच माइनस थ्री एक्स बटे में चार बराबर माइनस तीन, ये माइनस चार है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस चार। अब देखिए दोस्तों, कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो चार पीस, चार और पाँच का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, बीस। ये नीचे वाला से क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं, कितना बार जाएगा दोस्तों, चार बार, चार का ऊपर लाइन में गुणा कर देंगे, चौचौ का सोलह, चार से बीस में भाग देंगे, पांच बार जाएगा दोस्तों, पाँच त्याई पंद्रह बराबर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, चार में से तीन घटेगा तो एक होगा, जो अधिक रहता है उसका चिन्ह। बीस का क्या करेंगे दोस्तों, तिरय गुणा कर देंगे, यक्ष छोड़े हैं दोस्तों दोनों में, सॉरी सोलह में से पंद्रह घटेगा दोस्तों, कितना होगा, एक यक्ष, तो एक नहीं लिखा था दोस्तों, एक केवल यक्ष लिखेंगे, और 20 का एक में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20, 20 वर्ष, 20 वर्ष किसका निकला है दोस्तों, तो रीता का निकला है, तो मीरा का निकाल लेंगे दोस्तों, मीरा की आयु
मीरा का आयु कितना है दोस्तों हम लोगों का, तो कितना है 4x/5, 4x/5 क्या कर देंगे दोस्तों, 4/5, एक्स का मान कितना है 20, तो 5 से कटा देगा, पंचऊ का भी चरचऊ का कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16। मीरा का आयु कितना गया दोस्तों हम लोग का 16 वर्ष, और रीता का आयु कितना गया 20 वर्ष, यही क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का आंसर हो गया। देखिए दोस्तों पांचवा सवाल आप लोगों को मैं लगाने के लिए दे रहा हूँ, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र का पहले मानते हैं दोस्तों या बेटी का, तो पुत्र है तो पुत्र का मान जाएंगे यक्स, पिता कितना हो जाएगा दोस्तों 3x, 12 वर्ष बाद निकाल लेंगे दोस्तों पुत्र का आयु, तो 1x+12 हो जाएगा, पिता का कितना हो जाएगा दोस्तों 3x+12, पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो पुत्र का कितना है दोस्तों 3x+12 एक तरफ लिखेंगे, और x+12 एक तरफ, x+12 में 200 गुणा कर देंगे, और x का मान निकालेंगे दोस्तों, और तो x का मान जितना भी निकलेगा पिता का आयु कितना है दोस्तों 3x से शुरू में, तो 3 से उसमें गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना इस चैनल को दोस्तों, ये टॉप लेवल का एजुकेशन है जो आपको किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।